हेलो एवरीवन, इस वीडियो का टॉपिक है रीजंस फॉर बियरिंग फेलर्स या कॉजेज ऑफ बियरिंग फेलर्स, यानी कि बियरिंग फेल होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। इस वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। तो अगर कोई बियरिंग किसी इक्विपमेंट में लगा हुआ जो है वो प्रॉपरली अगर वर्किंग कर रहा है तो आपका जो प्रोसेस होता है वो भी स्मूथली चलेगा और जो वर्किंग है आपका जो भी काम चल रहा है वो स्मूथली चलता रहेगा और एफिशिएंटली चलते रहेगा। लेकिन अगर उसमें कोई दिक्कत आएगा तो इससे आपका इक्विपमेंट और बाकी को भी आपका ट्रबल होने का चांसेस रहता है। और ये जनरली एक ओवरलुक एक नॉर्मल पार्ट्स दिखता है, लेकिन अगर ये फेल होता है, फेल होने से ये आपके इक्विपमेंट को भी और आप जनरली इक्विपमेंट को ये बड़ा नुकसान कर सकता है। तो बियरिंग फेलर क्या होता है? अगर कोई बियरिंग उसके एक्सपेक्टेड लाइफ से पहले फेलर हो रहा है तो इसको बियरिंग फेलर कहेंगे। यानी कि उसका अगर परफॉर्मेंस जो है इसका एक्सपेक्टेड या अपना जो मैन्युफैक्चरर जो है उसका जो दिया वो परफॉर्मेंस है उसका कम पहले फेल हो जा रहा है, उसको हमको रिप्लेस करना पड़ रहा है, तो वो एक बियरिंग फेलर कहलाएगा। तो इसे अगर बियरिंग फेलर होता है तो उससे अपना शाफ्ट को भी नुकसान हो सकता है या तो अपना इक्विपमेंट को भी नुकसान हो सकता है। तो बियरिंग फेलर एक सीरियस इवेंट भी होता है। इससे अपना क्या क्या नुकसान होता है, इससे जनरल सबसे पहले तो एक ब्रेकडाउन आएगा अपना इक्विपमेंट का और प्रोसेस इसका अपना बंद हो जाएगा या अपना प्रोडक्शन जो है वो बंद हो सकता है, जिससे अपना बिजनेस को भी इफेक्ट कर सकता है। और दूसरा, कभी कभी ये इससे कोई बड़ा डेंजरस कंडीशन भी आ सकता है जिससे अपने जो उसमें वर्कर हैं उनको भी चोट लग सकता है। तो बियरिंग के जो क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो इसमें सबसे पहला जो कारण होता है, नॉर्मली सबसे जो कॉमन कारण है वो लैक ऑफ ल्यूब्रिकेशन है। तो लैक ऑफ ल्यूब्रिकेशन क्यों होता है? अगर ल्यूब्रिकेशन जो है या ग्रीस है या जो भी ल्यूब्रिकेंट हम यूज कर रहे हैं वो अगर कम मात्रा में अगर बियरिंग पे जा रहा है तो वहाँ फ्रिक्शन बढ़ेगा। तो मेटल टू मेटल इससे क्या होगा, जो उसके जो रील्स होते हैं वो आपस में वियर होने लगेंगे और वियर होने के बाद उसमें हीट भी बिल्डअप होगा और बियरिंग सीज भी हो सकता है। तो इसे मतलब लैक ऑफ ल्यूब्रिकेशन के चलते बियरिंग जो सबसे कॉमन कारण है वो लैक ऑफ ल्यूब्रिकेशन होता है। और दूसरा कारण है ओवर ल्यूब्रिकेशन। तो जैसे कम ल्यूब्रिकेशन से अपना बियरिंग फेल हो सकता है, वैसे ही ज़्यादा ल्यूब्रिकेशन देने से भी बियरिंग फेल हो सकता है। कैसे? जैसे अगर हम ग्रीस ज़्यादा डाल दिए बियरिंग में, कॉन्टेक्ट में ग्रीस ज़्यादा डाल दिए तो बियरिंग जब रोटेट होने लगेगा या जब शाफ्ट घूमने इक्विपमेंट रोटेशन में आएगा या बियरिंग घूमने लगेगा तो उससे क्या होगा, ग्रीस चर्निंग होगा, बियरिंग ग्रीस को चर्निंग करने लगेगा, चर्निंग यानी कि मथने लगेगा। तो उससे क्या होगा, उससे अपना एनर्जी लॉस होगा और एनर्जी लॉस होने से क्या होगा, जो बियरिंग का टेम्परेचर है और ग्रीस का टेम्परेचर वो बढ़ने लगेगा। तो उससे क्या होगा, उससे वियर अपना बढ़ जाएगा, वियर बढ़ने से ये आगे आके इंटरनल क्लियरेंस या फिर जो भी सीज होने का भी। और अगला कारण हो सकता है कंटेमिनेशन ऑफ ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड। अगर बियरिंग के ऊपर जो हम जैसे जनरली गियरबॉक्स या कहीं भी उसके ऊपर कोई सील या कोई कवर डालते हैं तो अगर कोई फॉरेन पार्टिकल्स, या तो वो डस्ट भी हो सकता है या वो वाटर हो सकता है या कोई भी केमिकल हो सकता है, वो अगर उससे इंसर्ट करके अपना जो ल्यूब्रिकेशन चाहे ग्रीस हो या फ्लूइड हो उसमें अगर वो मिक्स हो जाए तो ये फिर बियरिंग के जो रिल्स हैं या बियरिंग को ये अफेक्ट करता है। अगर वाटर पार्टिकल्स ग्रीस या उसमें मिक्स हो जाएंगे तो उसे वो रस्ट उसमें बना देंगे या कोरोजन हो जाएगा। केमिकल्स पार्ट्स हैं, वो केमिकल अगर कोई पार्ट्स अगर उसमें चले जाएगा तो उसमें वो अलग से केमिकल या कोई भी रिएक्शन कर सकता है और डस्ट पार्ट जो आके उसको वियर हो जाएगा, जिससे आगे जाके वो उसका इफेक्टिवनेस को कम करेगा और बियरिंग फेलर हो सकता है।
अगला कारण है इंटरनल क्लियरेंस, तो दिस कैन बी टू एक्सेस फ्रिक्शन, ओवर हीटिंग एंड प्रॉम्प्ट फेलर इफ नॉट सेट करेक्टली। इफ टू टाइट मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट इज पॉसिबल कॉजिंग शाफ्ट वियर एंड बियरिंग ओवरलोड। इफ द टू लूज देन दिस कैन कॉज शाफ्ट वॉबल एंड मीन्स द बियरिंग विल नॉट वर्क एज डिजाइंड टू ऑब्जर्व द रेडियल लोड एंड लुब्रिकेंट फ्लो विथ इन द बियरिंग विल नॉट कीप इंटरनल एलिमेंट्स कूल। इसका मतलब कि अगर बियरिंग को ज़्यादा क्लियरेंस जो है अगर ज़्यादा टाइट कर दिए तो क्लियरेंस बहुत कम हो जाएगा, जिससे उसके एलिमेंट्स या शाफ्ट में ज़्यादा फ्रिक्शन होगा और बियरिंग पे लोड ज़्यादा बढ़ेगा, जिससे वो जल्दी फेल होगा। या तो अगर क्लियरेंस ज़्यादा बढ़ गया तो शाफ्ट वोबल होगा, वोबल होने से वो जितना डिजाइन किया गया है लोड लेने के लिए उतना वो लोड नहीं ले पाएगा और वो जल्दी फेल हो जाएगा। ओवरलोडिंग और फैटिज, तो अनदर जो दूसरा कारण होता है कि अगर हम उसमें कंटिन्यूसली या कंसिस्टेंटली उसमें उसके डिजाइन से ज़्यादा उस पर अगर हम लोड डालेंगे तो बियरिंग फेल हो सकता है। ओवरहीटिंग, तो ओवरहीटिंग भी अपने आप में एक अलग रीजन है, लेकिन जैसे इससे पहले का जो था ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग के कारण भी जैसे ओवरलोड होने से जैसे कंसिस्टेंट उसमें लोड पड़ेगा तो वो हीट बढ़ाएगा, वो इसका हीट बढ़ाएगा, इससे ओवरहीट हो सकता है। और लेकिन ओवरहीट होने से जैसे अगर हम इम्प्रॉपर लुब्रिकेंट हो रहा है या ओवरलोड हो रहा है या उसमें वॉबलिंग हो रहा है या दूसरे भी कारण जैसे ओवरहीट हो रहा है किसी भी रीजन से, तो ओवरहीट होने से बियरिंग जो होता है वो सीज हो सकता है। और उससे पहले सबसे पहले तो उसमें जो जो भी लुब्रिकेशन अगर ग्रीस हम भर रहे हैं तो ओवरहीट से ग्रीस भी अपना मेल्ट होगा, मेल्ट होने से वो बाहर निकल सकता है, बाहर निकल जाएगा तो उससे फिर फ्रिक्शन बढ़ जाएगा और अपना बियरिंग जो रील्स हैं वो सीज हो जाएगा। और ज़्यादा टेम्परेचर होने से बियरिंग का जो मटेरियल है वो भी सॉफ्ट हो जाएगा और ये बियरिंग जल्दी फेल हो जाएगा। मिसअलाइनमेंट होने से जो शाफ्ट शोल्डर, मिसअलाइनमेंट यानी हो सकता है अगर उसका स्पेसर्स जो होते हैं, अगर हम बियरिंग के स्पेसर्स अगर सही से नहीं लगे हों तब मिसअलाइनमेंट हो सकता है, या जो शाफ्ट के शोल्डर हैं उस पर सही से नहीं लगा हो, या फिर उसके ये जो हाउसिंग है हाउसिंग ज़्यादा लूज हो गया तब भी मिसअलाइनमेंट हो सकता है, या शाफ्ट बेंट हो या क्लैंपिंग नट हो या हम सही तरीके से उसको इंस्टॉल नहीं किए हों तो मिसअलाइनमेंट हो सकता है और मिसअलाइनमेंट होने से बियरिंग फेल हो जाता है। इम्प्रॉपर माउंटिंग, अगर हम सही तरीके से बियरिंग को अगर हम नहीं इंस्टॉल करते हैं या माउंटिंग नहीं करते हैं तो बियरिंग फेल होगा, क्योंकि उसको अगर हम सही तरीके से प्रेस नहीं किए तो जो अपना शाफ्ट है शाफ्ट को पे वियर होगा और शाफ्ट का लाइफ भी ख़त्म करेगा और वियर डेंटिंग और हाई ऑपरेटिंग टेम्परेचर इसका रिजल्ट होता है, जिससे बियरिंग जल्दी फेल हो जाएगा। कोरोजन, कोरोजन के कई भी कारण हो सकते हैं, अगर उसमें मॉइस्चर हो, कंडेंसेशन हो, या टेम्परेचर तुरंत बढ़ रहा है और तुरंत कम ज़्यादा हो रहा है, टेम्परेचर में ज़्यादा वेरिएशन हो रहा है तो भी वो मॉइस्चर कंटेंट करेगा और जिससे कि या फिर हम लोग अगर लो क्वालिटी का अगर कोई ग्रीस यूज कर रहे हैं तो ये सब करने से उसमें एक कोरोजन पकड़ लेता है, यानी आप ब्राउन उसके सरफेस में ब्राउन से कोरोजन का आपको लेयर दिखेगा और जिससे कि बियरिंग का लाइफ जो होता है वो कम हो जाता है। अगला पॉइंट है फाल्स ब्रिनेलिंग, तो फाल्स ब्रिनेलिंग यानी कि बियरिंग के जो इनर केज होता है उसमें जो इसके रिल्स के जो गड्ढे पड़ जाते हैं, दाग पड़ जाते हैं और उससे सरफेस इसका डैमेज होता है, उससे क्या होता है वहाँ से अपना प्रॉपर लुब्रिकेशन उसके चलते नहीं हो पाता है, ज़्यादा वियर होता है, इसे फाल्स ब्रिनेलिंग कहते हैं और ये बियरिंग फेलर का एक कारण होता है। फ्लूटिंग या इलेक्ट्रिकल डैमेज,
यू कैन एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल डैमेज टू योर बियरिंग इफ़ देयर इज अ कॉन्स्टेंट और अल्टरनेटिंग करेंट. इफ दिस इज हैपनिंग यू माइट नोटिस ब्राउन कलर्ड मार्क ऑन द रेसवे दैट आर पैरेलल टू द एक्सिस और अक्रॉस द इंटायर रेसवे. यानी कि अगर इक्विपमेंट में अगर परमानेंट इक्विपमेंट में या बियरिंग में परमानेंट अल्टरनेटिव करेंट अगर सप्लाई हो रहा है या कहीं से भी उसमें जा रहा है तो इसको फ्लूटिंग कहेंगे या इलेक्ट्रिकल डैमेज कहेंगे. इससे क्या होता है, एक ब्राउन सरफेस कोरोजन टाइप से एक रेसवेज के अक्रॉस में या पैरेलल में अपना ब्राउन सरफेस हो जाता है कोरोजन टाइप से, जिसके कारण ये बियरिंग फैल हो जाता है जल्दी. हाउसिंग वियर यानी कि कोई भी जैसे अपना बियरिंग हाउसिंग होता है वो कई साल चलते चलते उसमें या वाइब्रेशन होते होते या उसमें फ्रिक्शन होते होते हाउसिंग का क्लियरेंस जो होता है वो बढ़ जाता है. क्लियरेंस बढ़ने के कारण उसमें ज़्यादा वाइब्रेशन होने लगता है और या फिर बियरिंग ज़्यादा वाइब्रेशन होने लगता है या फिर वो ज़्यादा फ्री घूमने लगता है, जिससे कि उसमें वाइब्रेशन होने के कारण उसमें ज़्यादा फ्रिक्शन होने लगता है और बियरिंग जल्दी फेल हो जाता है.